भारत के एक्सपीरियंस्ड बैडमिंटन प्लेयर्स ने 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स के अपने पहले मुकाबले में शुक्रवार को पाकिस्तान को 5-0 से धूल चटाई है। सुमित रेड्डी और माचीमांडा पोनप्पा की जोड़ी ने मिश्रित युगल मुकाबले में मोहम्मद इरफान सईद भट्टी और गजाला सिद्दीकी पर 21-9, 21-12 से एक तरफा जीत के साथ इन खेलों में टीम की शानदार शुरुआत की। मिश्रित जोड़ी की सफलता को किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष एकल मुकाबले में आगे बढ़ाते हुए मुराद अली को आसानी से 21-7, 21-12 से मात दी। भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा महिला एकल के मैच में भी जारी रहा, जहां 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली स्टार वुमन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को इसके बाद महिला एकल मैच में मसूर शहजाद को हराने में कोई परेशानी नहीं हुई। पीवी सिंधु ने 21-7, 21-6 से शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अगला मुकाबला 21-12 और 21-9 से जीत लिया। वहीं आखिरी मुकाबले में त्रेसा और गायत्री की जोड़ी ने 21-4, 21-5 से अपना मुकाबला जीतकर पाकिस्तान को 5-0 से सूत्रा साफ कर दिया। बता दें कि शनिवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के दूसरे दिन 23 गोल्ड दांव पर होंगे। भारत वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन और हॉकी समेत 9 गेम्स में हिस्सा लेगा। वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू से गोल्ड मेडल की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।